ये तो ऑब्वियस ही बात है यार, आप लोगों को पसंद आ रहे तभी तो आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर रहे हो। और थैंक यू सो मच जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और ब्लॉग को इसको अच्छे से मास देख रहे लेवल हैं। पे ऐसे फैला दो गाइस कि बस सब्सक्राइबर ही सब्सक्राइबर आते जाए। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो रात के बज रहे हैं आज 9 और हम तो रोज ही जाते हैं पार्क। तो यहाँ पर डिनर चल रहा है, तो डिनर में आज वैरायटी चल रहे हैं। वैरायटी तो कुछ नहीं है, पर संदीप का राजमा खाने का मन हो रहा था बहुत टाइम से, तो राजमा बनाई गई है आज। करने का मन संदीप तो तो हो गया। सिर्फ फूड ही हो रखे हैं आजकल, कोई एक्सरसाइज नहीं कुछ नहीं, बस खाना पीना मस्त। तो यहाँ पर देखो संदीप ने अपने लिए एग भी बॉयल कर लिए। ये बॉयल तो मैंने किए थे, पर छीलने के लिए मैंने संदीप को दे दें। और लड़ाई हो रही है दोनों में कि एक बोल रहा मैं खाऊंगा, तो यशवी ने अपनी तरफ खींच रखी है प्लेट। ये यशवी, देखो इतने सारे आप खा नहीं पाओगे बेटा, एक मुझे दे दो बस, फिर आप खा लेना। एक ले रहा हूँ, ओनली वन। अच्छा एक दे दो पापा को, एक दे दो बस, ओनली वन ओनली वन। यशवी आप नहीं खा पाओगे बेटा इतना पूरा, और इतना गर्म हो जाएगा और आपको, ठंडी भी हो जाएंगे टमी में भी दर्द हो तो जाएगा। पापा नहीं खा पाएंगे ना बेटा। एक दे दो, एक दे दो, एक एक ओनली वन। देखो कितनी आसान में दे रही है। ये भी ले लूं थोड़ा प्याज। चलो अब खा लो सबके साथ, ठीक है? मजा आ गया संदीप? आ सको बहुत आप। टाइम बाद एग खाया, वो भी बॉयल। ऑमलेट तो खा रहे थे। और राजमा चावल कैसे बने, टेस्ट किया? बहुत अच्छा। तो ये लोग राजमा चावल खा रहे हैं, मैं अपनी रोटी ले रही हूँ। क्या सो गाइज, ये देखिए यहाँ पर कितने सारे बादल आ रहे हैं, जैसे अभी जस्ट बारिश होने वाली, इतनी तेज बारिश होगी ना। और यहाँ देखो इतना क्लियर हो रखा ना, बहुत ज़्यादा क्लियर हो रखा है। और यशु को देखा, अभी उठी है सो, अभी उठे सो के टाइम पे। उसको चिज्जी दो पैकेट वाला। मैं क्यों दूँ आपको चिज्जी पैकेट वाला? भाई साहब आज वेदर देखो कितना डेंजरस लग रहा है, एकदम एकदम डेंजरस। ये लड़की देखो मेरी टांगे उठा के कहाँ ले जा रही है, हटो यहाँ से। मैं दिखाऊँ यश भी वेदर दिखाओ, देखो ये देखो गाइस वहाँ पर कितना अंधेरा हो गया, ऐसा लग रहा है अब कितनी ज़ोर से बारिश आती है। और आज तो इस तरीके का वेदर हो रखा है देहरादून में, और अभी हमें पार्टी में भी जाना है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा हम जा पाएंगे क्योंकि बारिश के हाल देख रहे हैं। बारिश के तो गड़बड़ होने वाला एकदम लग रहा है ना, HD क्वालिटी। वाओ एकदम वाइट और ऊपर से ब्लैक। यहाँ देख रहे हो ये बिल्डिंग के ऊपर, यहाँ देखो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब अभी इतनी तेज बारिश होने वाली है ना। सो गाइज अब टाइम हो चुका है रेडी होने का, तो फटाफट रेडी होती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है मैं आप लोगों के साथ व्लॉगिंग करूँ। जब मैं रेडी हो जाऊंगी तो मैं आप लोगों से मिलूंगी। संदीप आए नहीं अभी तक, और हम लोग किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं संदीप के फ्रेंड के, तो बस वेट करिए मेरे रेडी होने का, यशवी के रेडी होने का, और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। हम लोग रेडी हो चुके हैं और मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो भी बना ली है, और यहाँ पर देखो संदीप और यशवी दोनों रेडी हो चुके हैं, और संदीप थोड़ा सा गिफ्ट पैक कर रहे हैं। वैसे ऑलरेडी गिफ्ट पैक था, पर संदीप ने बोला नहीं आगे से थोड़ा सा और रैप कर देते हैं। हाँ यशवी देगी, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं। तो क्या पहना है मैंने, मैं आपको दिखाती हूँ। okay. आप आ जाओ यहाँ पर देखो। सो गाइज ये मेरी बर्थडे की ड्रेस है जो संदीप ने मुझे बहुत पहले गिफ्ट की थी, आपने देखा होगा मेरे बर्थडे वाले व्लॉग में। मम्मा मुझे भी बहुत ब्यूटीफुल चाहिए मुझे, ठीक है। सो गाइज गिफ्ट भी पैक हो चुका है, और संदीप देखो लिख दिया उसके बाद। नहीं 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 लिख दिया, लिख तो दिया उसमें, और संदीप इतना स्मार्ट लग रहे हैं। चले दिखाओ संदीप, वो कर रहा हूं। लग रही मुझे नहीं नहीं सही लग रहा है, लगेगा तो कार में उतार देना। मुझे दे दो। यशवी आप दिखाओ, यशवी रेडी, आर यू रेडी? चले लेट्स गो। यहाँ पर लाइट प्रॉपर नहीं है ना, लिफ्ट कितनी गंदी रहती है यार करीबी ना, ऐसे लगता है लात लूट मारता है कोई, इसमें पता नहीं इतने ऊपर तक। भाई इसमें कुछ बस
सो गाइज, इस टाइम ना फेस्टिवल का टाइम है तो रोड पे काफी ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा ट्रैफिक है। और इस टाइम तो थोड़ा कम भी हो गया क्योंकि अभी 8:10 हो रहे हैं, पर जब संदीप आता है ना तब संदीप बोल रहे थे इतना ज्यादा होता है कि जो 25 मिनट का रास्ता है उसमें 1 घंटा लग जाता है उसको कवर करने में पूरा का पूरा। अगर स्कूटी वाला बंदा तो झेल लेगा फिर भी, हाँ। जो कार वाले बंदे हो ना वो तुम उनको कुछ कुछ मेन पॉइंट, मतलब पेशेंस चाहिए बंदे को मैं खूब सारा, है ना, भर भर के। वो तो खैर यहाँ की सड़कों के हाल तो है क्योंकि कंजेस्टेड हो रहा है ना। और अभी तो काफी स्मूथ है बट वैसे मम्मी मुझे भी, हाँ हाँ तो आप भी बोलो। तो आपको मेरी आवाज से लग रहा होगा थोड़ी हैवी हैवी, कल से थोड़ा मैं ठीक हूँ पहले से, बट ये देखो मैंने ट्रायंगल बना रहा है। वाओ यश ने ट्रायंगल बनाया है। तो आजकल संदीप भी मेरी काफी तारीफ कर रहे हैं कि तेरा मेकअप ना बहुत ही नेचुरल सा लग रहा है आजकल, बहुत ज्यादा, मतलब काफी प्रैक्टिस हो गई है ना यार करते करते, है? बहुत लंबे समय से कर रही होती ना पुनः। हाँ बहुत लंबे समय से कर रही हूँ लेकिन अभी तक प्रोफेशन में उतरी नहीं हूँ, ये है बस। और बस हम लोग पहुँचने वाले हैं, हमारे घर से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है जहाँ हमें जाना है। और ये अच्छी चीज़ है हमारे घर से कि सारी चीज़ें पास ही पास है तो ज़्यादा मतलब ट्रैवलिंग में टाइम नहीं लगता और वेस्ट नहीं होता टाइम। अब 11 बजे नहीं 10:30 हो रहे हैं और अब फ्री हुए और अब निकल रहे हैं घर। संदीप का मन नहीं था घर आने का, है ना संदीप? जस्ट अभी अपने सोसाइटी में पहुंच चुके हैं, चलो 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 अंदर, चलो वॉक कर लो कर लो कर लो, चलो देखती मैं कितनी वॉक करती हूँ। तो गाइस संदीप तो ऊपर चले गए, यश भी कह रही मुझे वॉक करनी है तो मैं उसी के साथ थोड़ा घूम रही हूँ नीचे। मम्मी कुछ आई घर में आ चुके हैं, मैंने थोड़ा चेंज कर लिया है, यहाँ पर मेरी आईज थोड़ा रेड रेड हो रखी है, बट अभी मैंने फेस साफ नहीं किया क्योंकि मुझे कोल्ड हो रहा है और मेरा मन नहीं कर रहा इतनी ठंड में मुंह धोने का, बाहर बारिश भी हो रही है। संदीप की स्माइल देखो गंदी वाली, कुछ बोलने वाले होंगे ना पीछे से। मुझे बहुत मजा आया आज पार्टी में, एज यूजुअल हर पार्टी में बहुत मजा आता है क्योंकि इनका इसलिए मजा आता है ना क्योंकि इन्हें वहाँ डांस करने के लिए मिल गया, मैं तो वहाँ बोर ही हो रही थी क्योंकि ग्रुप मिल गया था। जैसे कि आज पर हर बार की शिकायत पूनम की ये रहती है कि तुम्हें कहाँ से मिल जाते हैं ग्रुप और हम बोर होते रहते हैं। तो गाइस देखो आपको पता ही है कि हम लोग तो अपने मजे ढूंढ ही लेते हैं। अरे नहीं यार इनका ना स्टाफ आ रखा था वहाँ, तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारे जिसके साथ बातचीत है जिसके साथ उठना बैठना उसके साथ तो तुम इंजॉय करोगे। भाई मेरा तो किसी के साथ बातचीत ही नहीं है, मैं जानती भी नहीं हूँ किसी को। तुमने भी इंजॉय कर लिया बट मैं फिर भी इंजॉय कर लिया, मैं यशवी के पीछे इंजॉय कर रही थी उसको पकड़ना भागना यही सब। बाकी कल देखो कल हमारा कुछ प्लान है, अब कल का व्लॉग कल से ही आएगा, कितना सक्सेसफुल होता है कल का व्लॉग कल से ही आएगा। आज का यहीं पे एंड करते हैं और इसे मैं अपलोड करती हूँ थोड़ी देर में एडिट करके अगर टाइम लगेगा, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही जिस हिसाब से मेरे मतलब मेरा सर भारी हो रहा है। और ये हैंगओवर का वो हैंगओवर है जुकाम का हैंगओवर है, बेवकूफी होगा जिसे मतलब हैंगओवर होगा। यहाँ देखो मेरी आईज कितनी रेड हो रखी है और इस हैंगओवर को 3 दिन हो गए, 3 से 4 दिन हो गए लेकिन ये जा नहीं रहा, अब तो मेरा मुंह भी सूजा सूजा सा लग रहा है। बाकी बाय बाय गाइस, और मेरी वीडियो तो ऑब्वियस ही बात है यार आप लोगों को पसंद आ रहा है तभी तो आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर रहे हो, और थैंक यू सो मच जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और ब्लॉग को अच्छे से देख रहे हैं। ऐसे फैला दो गाइस कि बस सब्सक्राइबर ही सब्सक्राइबर आते जाए इस वीडियो में। बाय गाइस टेक केयर गुड नाइट, सब अपना ध्यान रखें, सब बहुत अच्छे से रहें और सब अपना ख्याल रखें, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय।